आज मैं आप सबके साथ ब्राइडल उपटन जो है वो शेयर कर रही हूँ और ब्राइडल स्क्रब शेयर कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, तो आज का वीडियो देखना एकदम कंपलसरी है, आज का वीडियो एकदम मिस ना करें। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जनरल टॉक्स विद छवि में, और मैं हूँ छवि। तो आज मैं आप सबके साथ ब्राइडल उपटन जो है वो शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को थंबनेल देख के समझ भी आ गया होगा कि आज मैं ब्राइडल उपटन शेयर कर रही हूँ। और ये जो वीडियो है रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत मुझे कमेंट आ रहे थे कि छवि आप ब्राइडल उपटन जो है वो लेकर के आइए। तो एकदम से हाजिर है छवि ब्राइडल उपटन लेकर के, और इतना सुपर से ऊपर वाला ब्राइडल उपटन कि 3 डेज में ही, 3 दिन में ही आपको आपकी स्किन के ऊपर विजुअल रिजल्ट दिखने वाला है। फुल बॉडी व्हाइटनिंग और ब्राइटनिंग है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाने वाला है। अगर आपके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा है तो वो सबको लाइट कर देगा, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और खूबसूरत बना देने वाला है ये ब्राइडल उपटन। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस ब्राइडल उपटन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर चुकी हूँ, यानी कि सिर्फ उपटन लगाने से क्या होगा भैया, स्क्रब भी चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ स्क्रब बनाना, कि स्क्रब कैसे बनाना है। स्क्रब को बनाने के लिए जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो आपको लेना है कॉफ़ी, और कॉफ़ी आप 1 से 2 स्पून ले लोगे तो सफिशियंट होता है। उसके बाद जो आपको इसके अंदर सेकेंड इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है शुगर, यानी कि चीनी, नॉर्मल जो चीनी होता है वो हल्का क्रश कर दे और इसके अंदर आप डाल दें। तो अगर 2 स्पून लेते हो आप नेस्कैफे, तो 1 स्पून आपको शुगर लेना है। उसके बाद जो इसके अंदर आपको थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करना है, अगर आपको लेमन सूट करता है तो आप लेमन इसके अंदर डाल सकते हो। इस आधा नींबू ले ले और उसको इसके अंदर नींबू का जूस जो है वो निचोड़ दे, ठीक है। और अगर आपको लेमन सूट नहीं करता है तो लेमन को छोड़ के आप हनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इन तीनों को आपको करना है एकदम अच्छे से मिक्स, और आपका स्क्रब बन के रेडी हो गया। जब आपका स्क्रब बन के हो गया रेडी, अब इसे लगाना कैसे है, तो इसको वीक में 2 बार लगाना है। 2 बार से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सार लेने जाते हो तो 5 मिनट तक, सिर्फ 5 मिनट तक आपको अपने पूरे बॉडी में सर्कुलर मोशन पे इसको अपने पूरे बॉडी में आपको स्क्रब करना है। फेस के ऊपर भी आपको स्क्रब करना है, यानी कि एक ऐसा स्क्रब जो सर से लेकर के आप पैर तक यूज़ कर सकते हो। आपकी स्किन ग्लोइंग होने वाली है, आपकी स्किन ब्राइट होने वाली है, जो भी आपके चेहरे पे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स थे सब खत्म हो जाने वाले हैं, डेड स्किन निकल जाने वाला है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। तो ये तो आपका स्क्रब बन के हो गया रेडी। इसको वीक में 2 बार यूज़ करें। ऑल स्किन टाइप्स के लिए, आपकी स्किन ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, सेंसिटिव हो। क्या होता है शादी के बाद हम अपने घर में तो जब माँ पापा के पास रहते हैं तो कुछ भी सामान ले लिए, नहीं मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। लेकिन शादी के बाद भी हम कर सकते हैं, लेकिन तुरंत नहीं बोल सकते ना कि भैया ये सामान दे दो, वो सामान दे दो। तो एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो ईजिली हमारे घर में अवेलेबल हो, जिसको यूज़ करना ज़्यादा परेशानी भी ना हो और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग भी हो जाए। तो ये पैक के ऊपर एक ऐसा उपटन जिसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। मैं जो आपको उपटन का क्वांटिटी बता रही हूँ उसके हिसाब से आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो, आप क्वांटिटी को घटा भी सकते हो। तो इस उपटन को बनाने के लिए जो फर्स्ट आपको इंग्रेडिएंट लेना है वो है आलमंड, यानी कि बादाम। तो मैं बादाम जो लेती हूँ वो ले रही हूँ 10, तो आप 10 के जगह पे 5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और आपको लेना है ओट्स, यानी कि ओट्स आपको लेना है 10 स्पून ओट्स लेना है, 10 चम्मच ओट्स लेना है और 10 आपको बादाम लेना है। इन दोनों को अच्छे से ग्राइंडर में आपको ग्राइंड कर देना है। अब बादाम को आपको ना धोना है, ना आपको बादाम को भिगोना है, कुछ भी नहीं, ना उसका छिलका निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल वो बादाम लेना है, ओट्स लेना है और ग्राइंडर में ग्राइंड कर देना है। ओट्स आपके डेड स्किन को रिमूव करता है, साथ ही साथ आपके स्किन के ऊपर जो भी टैन धूप की वजह से या फिर गैस की वजह से या फिर किसी भी कारण, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा मतलब मुरझाई मुरझाई हो गई है, ग्लो नहीं रह गया डेड स्किन की वजह से, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की वजह से, उन सबको दूर करता है। आलमंड क्या करता है, आपकी आपकी जो रूखी सूखी बेजान सी त्वचा है जिसमें ग्लो नहीं है उसमें ग्लो लाता है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे कुछ दाग धब्बे हैं तो उसको भी ये ठीक करता है। आपका ये पाउडर ग्राइंड हो गया, अब आपको इसके अंदर मिक्स क्या करना है, एक बाउल में इसको निकाल लीजिए। अब इसके अंदर आपको मिक्स करना है 2 चम्मच चावल का आटा,
ठीक है। चावल का आटा हमारी स्किन को वाइटन, ब्राइटन और टाइटन करता है। अब जो इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट नेक्स्ट मिलाना है, वो मिलाना है आपको लीको राइस पाउडर यानी कि मुलेठी पाउडर, जिसे यस्टी मद्दू कहते हैं, वो भी आपको 2 स्पून मिलाना है। ये हमारी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है और टाइटन भी करता है। उसके बाद जो इसके अंदर आपको नेक्स्ट इन्ग्रीडियंट मिलाना है वो है आपको ऑरेंज पील पाउडर। बहुत वो ऑरेंज पील पाउडर सूट नहीं करता है, तो जिन्हें ऑरेंज पील पाउडर सूट नहीं करता है, आप इसके अंदर आप सैंडलवुड पाउडर यानी कि चंदन पाउडर आप डाल सकते हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। अब जो इसके अंदर आपको नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो है 1 स्पून वाइल्ड टर्मरिक यानी कि कस्तूरी हल्दी। आपको 1 चम्मच कस्तूरी हल्दी डालना है। उसके बाद अब जो इसके अंदर आपको इंग्रेडिएंट नेक्स्ट ऐड करना है, इसके अंदर आपको लास्ट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है मसूर दाल का पाउडर। मसूर दाल पाउडर कितना लेना है, वो लेना है आपको 3 स्पून यानी कि 3 चम्मच आपको लेना है मसूर दाल पाउडर। अब इन सबको आपको क्या कर देना है, एकदम अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद कोई भी कांच का कंटेनर हो या फिर प्लास्टिक का कंटेनर है, आपको स्टोर कर देना है। इस पाउडर को स्टोर करके आप आराम से रख सकते हो 2 महीने तक, रूम टेम्परेचर में या फिर फ्रिज में कहीं भी आप स्टोर करके रखते हो तो ये आराम से लास्ट होने वाला है। रूम टेम्परेचर में भी ये 2 महीने तक लास्ट होने वाला है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, जब आप अपने घर से दूसरे घर में जाते हो तो इतना जल्दी उस घर को अपना बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप घर को अपना बनाने में लगे रहिए और आपकी स्किन को ये खूबसूरत बनाता रहेगा। तो जब भी आपको सार लेने जाना हो, 2 या 3 चम्मच जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना आप उपटन उसके अंदर डाल दें, और उसके अंदर जो भी आपको सूट करता हो, रोज़ वाटर या फिर रॉ मिल्क या फिर दही कर्ड जिसे कहते हैं, इन तीनों में से कुछ भी एक आपको इसके अंदर मिक्स करना है। और जब आप मिक्स करते हो तो इतना रिक्वेस्ट करूँगी कि मिक्स करने के बाद तुरंत अपने फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करें, थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद जो है आप इसको कम से कम 10 to 15 मिनट्स रहने दें। उसके बाद इसको अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। अगर आपके पास टाइम है तो अपने फेस के ऊपर 5 to 7 मिनट्स तक लगा के रखें और उसके बाद अपने फेस को वॉश करें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, 5 to 7 मिनट्स लगा के नहीं रख सकते हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आप आराम से जब सार लेने जाते हो तो उस टाइम में अपने 5 मिनट तक अपने पूरे फेस पे, बॉडी पे जो है हल्का सा मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन पे, और 5 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लें। अगर 5 मिनट नहीं मसाज कर सकते हो तो 3 मिनट्स भी कर लिए तो सफिशियंट है। मसाज करते हुए पूरे बॉडी से आप उतार लें। जब आप सार लेके निकलते हो तो आपका जो भी फेवरेट आपका बॉडी लोशन है उसको अपने पूरे बॉडी में लगा लें, और फेस पे आपका कोई भी जो आपका फेवरेट क्रीम है उसको आप लगा लें। तो उसे स्क्रब को आपको वीक में 2 बार यूज़ करना है, और इस उपटन को आप चाहे तो डेली यूज कर सकते हैं या फिर वीक में 3 डेज भी यूज कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं जिनके रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ वो है सुनीता कुमारी जी। तो सुनीता कुमारी जी, आई होप कि मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आया हो। आपकी शादी के बाद भी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहेगी, ग्लोइंग रहेगी। आप शादी के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो इस उपटन के साथ। ये छवि का प्रॉमिस है आपसे। फ्यूचर में अगर कभी भी किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता हो, फेस पैक रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हो फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।